देश भर में चलते लाउडस्पीकर विवाद को लेकर बिहार सांसद रमा देवी ने मंदिर और मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारे जाने के मामले को उचित बताया है। महाराष्ट्र सरकार पर भी तीखी प्रतिक्रिया करते हुए उद्धव ठाकरे को राक्षस बताया है। सांसद रमा देवी ने कहा कि आप सभी का लाउडस्पीकर उतर रहा है। लाउडस्पीकर बजाकर अजान देना या हनुमान जी का गुणगान करना ये एक अलग तरह का तरीका था, लेकिन एक सोच होता है। जिस प्रकार सुबह 4 बजे भोर में साधना पर बैठते हैं तो अजान की भी आवाज़ आती है और रामधन की भी आवाज आती है, जिसके कारण हम लोगों को साधना में थोड़ा सा दिक्कत जरूर होता है। आज यदि लाउडस्पीकर उतर रहा है तो सभी का उतर रहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। भक्ति प्रेम से और दिल से होती है, न कि चिल्लाकर होती है। देख रहे हैं कि अच्छी बात है कि सबका लाउडस्पीकर उतर रहा है, और देखिए लाउडस्पीकर बजाकर अजान देना या गुणगान करना हनुमान जी का, ये एक अलग तरह की तरीका थी, लेकिन एक सोच होता है। जैसे 4 बजे भोर में हम लोग साधना में बैठते हैं तो अजान की भी आवाज़ आती है और रामधुन की भी आवाज़ आती है, तो वो हम लोग का साधना में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। हम लोग कहीं और पहुंचे रहते हैं और ये आवाज़ थोड़ा डिस्टर्ब करता है, तो अगर लाउड स्पीकर उतर रहा है तो सबों का उतर रहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि सभी खुश है। क्या ठीक है, भक्ति प्रेम से होती है, दिल से होती है, ये न कि चिल्ला के होती है। ये तो अलग बात है, वो तो सोच है अपना 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 कुर्सी को पकड़ने के लिए लोग करता है, और ये राम के अनुगामी जो काम कर रहे हैं, जो राम भक्त लोग हैं, वो सोचते हैं कि राम किस तरह कष्ट सहकर प्रजा के भलाई के लिए सोचे, वन में जाकर किस तरह राक्षसों को मारने का काम किए, उसी तरह जो राक्षस पैदा ले लिया है उसको तो जाएगा ही, तो हम लोग अच्छे काम करके उनके काम जो गंदे काम को दबा सकते हैं। हम लोग भाला तीर लेकर नहीं घूम रहे, हम लोग एक ही आर्म से नहीं लिए, लेकिन हमारे भगवान हमारे तीर धनुष लेकर चलते थे। दुर्गा माँ जब राक्षसों का विनाश की तो बहुत सारे उनके हाथ में आर्म से बहुत है, हर चीज है, लेकिन हम लोग प्रेम के भूखे हैं, वो अलग बात है, उनका अलग बात है, उनका सोच में थोड़ा गड़बड़ी है, सोच ठीक हो जाएगा सब बात ठीक हो जाएगी। अच्छा होगा, हम लोग आए हैं तो अच्छे काम के लिए आए हैं, और संदेश भी जा रहा है कि जो हर आदमी को राम भक्ति करना चाहिए, राम भक्ति नहीं, राम के चले हुए रास्ते पर चलना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए, उनके विचार से सहमत रहना चाहिए। वो भी प्रजा की भलाई करने के लिए आए, हम भी प्रजा की भलाई करने के लिए आए, तो हम लोग वोट के द्वारा आए हैं, वो राजतंत्र के राजा का बेटा राजा बने थे, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो वन में जाना पड़ा, तो शहर से चले गए कुर्सी छोड़कर। उसी तरह हम लोग अपने काम के लिए आए हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो कुर्सी छोड़ देंगे, अगला युवा को कहेंगे सौंप देंगे, तुम ज्यादा लड़ोगे ज्यादा अच्छा करोगे। उद्देश्य यही कि हम लोग भक्ति भाव से आए हैं, उनसे सीख लेने आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वी सारस न्यूज, अयोध्या।